हेलो दोस्तों, आज से तीन दिन बाद 2018-19 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, लेकिन हाथ में सिर्फ दो वर्किंग डे है, मतलब आज और कल। 31st तो संडे है, तो ये दो वर्किंग डे में हम लोगों को बहुत सारे चीज करना है। अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दो दिन में, ये फ्राइडे एंड सैटरडे में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेप आपको लेना है, कैसे आप वो कर पाएंगे, पूरा डिटेल में मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहला जो चीज ये तीन दिन में आपको करना है वो है कि आपका पैन के साथ आधार लिंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लास्ट डेट है 31st मार्च 2019। अगर आप पैन के साथ आधार लिंकिंग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप पैन के साथ आधार लिंकिंग नहीं किए हैं, इमीडिएटली कर लीजिए। कैसे करना है चलिए आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों, ये वो साइट है जहां पर आप पैन एंड आधार को लिंक कर सकते हैं। सिंपली आप यहां पर आपका पैन नंबर डाल दीजिए, यहां पर आधार नंबर, यहां पर आधार के ऊपर जो आपका नाम लिखा है वो यहां पर डाल दीजिए। और यहां देखिए, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, मतलब है कि अगर आधार कार्ड में आपका सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ये इसको चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बटन को भी चेक करना है। अब यहाँ पर आप कैप्चा डाल दीजिए जो यहाँ पर लिखा है, नहीं तो अगर आप विजुअली चैलेंज है तो यहाँ पर आप ओटीपी के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली ये बटन को आपको क्लिक करना है, लिंक आधार। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आधार है उसके साथ पैन लिंक हो जाएगा। ये आपको 31st मार्च 2019 के पहले करना है। तो अब अगर आपने नहीं किया है अभी कर लीजिए, और जिसने ये पहले किए हैं वो यहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हैं कि उसका आधार के साथ पैन लिंक हुआ है कि नहीं। सिंपली ये क्लिक हेयर जो बटन है यहाँ पर, इसको क्लिक कीजिए। आपका पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद आप सिंपली अगर व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करेंगे तो ये बता देगा आपको कि आपके आधार के साथ पैन लिंक हुआ है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आज ही आपका आधार पैन के साथ लिंक कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना इजीली आप पैन के साथ आधार लिंक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप पहले वो किए हैं तो वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, सेकेंड जो चीज आपको ये दो दिन में करना है, मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच में, क्योंकि संडे में तो बहुत सारे बैंक बंद रहेगा, वो है कि देखना कि आपके जो फिक्स डिपोजिट है बैंक में, क्या आप उसमें 15G नहीं तो 15A सबमिट किए हैं। क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में हम लोग फिक्स डिपोजिट करके भूल जाते हैं, आपका इनकम टैक्सेबल इनकम के नीचे होने के बाद भी हम लोग 15G नहीं तो एज सबमिट नहीं करते। 15G एक्चुअली जो सीनियर सिटीजन नहीं है उन लोगों के लिए है, 15H जो सीनियर सिटीजन है वो अगर हम सबमिट नहीं करेंगे तो 31st मार्च को आपका जो इंटरेस्ट होगा, अक्रूड इंटरेस्ट, उसके ऊपर TDS कट जाएगा। अगर आप पहले 15G सबमिट नहीं किए हैं, इमीडिएटली आज बैंक में जाइए और आज ही 15G नहीं तो 15A सबमिट कीजिए। और नहीं तो आप चेक भी कर सकती है, ऑनलाइन भी चेक करने का ऑप्शन होता है, तो ये पार्ट प्लीज इंश्योर कीजिए, नहीं तो क्या होगा आपका जो अक्रूड इंटरेस्ट है उसके ऊपर TDS कट जाएगा 31st मार्च को। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा TDS के ऊपर, बहुत सारे लोगों का जो फिक्स डिपोजिट होता है उसका मैच्योरिटी डेट 5th अप्रैल 10th अप्रैल, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। यूजुअली लोग अप्रैल के महीने में 15G जमा करते हैं, लेकिन एज बिकॉज उसका मैच्योरिटी पहले वीक में होता है, तो मैच्योरिटी के टाइम में क्या होता है, वो सोचता है कि मैं 15 तारीख को दूंगा, 30 तारीख को दूंगा, लेकिन 5 तारीख को अगर उसका मैच्योरिटी है तो उसका पूरा TDS कट जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई फिक्स डिपोजिट है जिसका अप्रैल का फर्स्ट वीक में मैच्योरिटी है, इमीडिएटली 15G बैंक से लेके रेडी करके रखिए, क्योंकि आपको अप्रैल का 2 नहीं तो 3 तारीख को जाके आपको सबमिट करना है। अब फिर थर्ड जो चीज आपको इंश्योर करना है वो है कि कुछ ऐसा डिपोजिट होता है जिसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है, लाइक PPF, सुकन्या समृद्धि स्कीम, NPS। तो ये सब स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट आप मिनिमम पोर्शन उसमें इन्वेस्ट करें।
बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट मैंने भी एक बार पीपीएफ में भूल गए थे कि मिनिमम पीपीएफ में साल में 500 इन्वेस्ट करना है, अगर नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इरेगुलर हो जाएगा। आपका जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, मिनिमम 250 रुपए साल में आपको डिपॉजिट करना है। आपका जो एनपीएस अकाउंट है, साल में मिनिमम 1,000 रुपीज आपको डिपॉजिट करना है। तो ये जो मिनिमम अमाउंट है, आप इंश्योर कीजिए कि आप इसमें डिपॉजिट करें, नहीं तो ये जो अकाउंट है वो इरेगुलर हो जाएगा। फिर से उसको रेगुलर करने के लिए आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, तो ये पार्ट आप अवॉइड कीजिए। इमीडिएटली जाके मिनिमम पोर्शन आप डिपॉजिट कर दीजिए। और एक सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने पीपीएफ में 1 लाख डिपॉजिट कर दिए हैं, ये सोच के कि मैं फ्यूचर में जाके डिपॉजिट कर दूंगा। बाद में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। अगर आपने ऐसा डिक्लेरेशन ऑलरेडी एम्प्लॉयर को दे दिया है तो आपको इमीडिएटली जितना अमाउंट आपने कहा है कि मैं पीपीएफ में डालूंगा वो डाल दीजिए, नहीं तो वो फॉल्स डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो ये जो इस टाइप के जो पीपीएफ है, एनपीएस है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि है, इसमें आप इमीडिएटली डिपॉजिट कीजिए। अब दोस्तों फोर्थ जो पॉइंट है वो तो सबको ही देखना है कि क्या आपने जो एटीसी का छूट है वो आप लिए हैं, मतलब है कि 1.5 लाख का जो इनकम टैक्स का छूट मिलता है क्या आपने इन्वेस्ट किए हैं। क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, सोचते हैं हम लोग का जो पीएफ डिडक्शन है उससे ही हो जाएगा, बाद में करेंगे, ये सोच के हम लोग भूल जाते हैं। तो आप देखिए कि जो 1.5 लाख का डिडक्शन है उसमें आपने इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं तो आप ईएलएसएस, पीपीएफ, जो भी है, जो जिसमें आप चाहे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो सकता है उसमें आप इमीडिएटली इन्वेस्ट कीजिए। और ये भी देखिए कि अगर और भी आपका टैक्स लग रहा है तो वो एनपीएस का जो 50,000 का छूट मिलता है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते, हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकते। तो जो जो टैक्स छूट का ऑप्शन है अगर आपने नहीं लिए हैं, नहीं तो कम करके लिए हैं, आपको जरूरत है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए कि क्या आपका क्या कितना इनकम हो सकता है। उसके ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद अगर कुछ पोर्शन है तो वो इमीडिएटली आज नहीं तो कल जाके एटीसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब दोस्तों जब टैक्स की बात आ ही गया है तो चलिए टैक्स रिटर्न के बारे में क्या क्या चीज इंश्योर करना है वो भी बता देते। पहला आपको जो चीज इंश्योर करना है कि क्या आपने 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का फाइलिंग किए हैं। अगर नहीं किए हैं इमीडिएटली कर लीजिए, क्योंकि पहले साल का फाइलिंग बहुत सारे लोग नहीं करते, भूल जाते। अभी अगर करेंगे तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, अराउंड 10,000 पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर में करेंगे, ये पेनाल्टी अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। तो जो पहले साल का फाइलिंग है अगर आपने नहीं किया है इमीडिएटली आज नहीं तो कल कर लीजिए। और अगर आपको रिवाइज रिटर्न देना है 2016-17 का तो आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में ये ऑप्शन नहीं रहेगा। रिवाइज रिटर्न मतलब है कि कुछ कुछ गलती आपने कर दी है उसको आप सही करना चाहते हैं 2016-17 का, नहीं तो 17-18 का वो। लेकिन अभी अगर आप ये 2 दिन में नहीं करेंगे तो नेक्स्ट साल आप नहीं कर पाएंगे। तो ये पार्ट आप इंश्योर कीजिए, पहले का जो जो रिटर्न था आप सही टाइम से वो सबमिट किए हैं, नहीं तो क्या होगा नेक्स्ट साल आप पछताएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो जो यंग जनरेशन है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस साल जॉब स्विच किए हैं, मतलब एक एम्प्लॉयर को छोड़ के और एक एम्प्लॉयर को ज्वाइन किए हैं, एक कंपनी को छोड़ के और एक कंपनी में, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को इमीडिएटली फॉर्म 12B सबमिट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है उनको पता नहीं होता कि पहले का एम्प्लॉयर आपको कितना सैलरी दिया है। तो वो क्या करता है, उनके सैलरी के हिसाब से वो टीडीएस कट लेते हैं। और जब आप फाइलिंग करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि कम टीडीएस कटा है, इसीलिए आपको फिर से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप फॉर्म 12B एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को अभी सबमिट कर देंगे तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को पता चल जाएगा कि पहले वाला एम्प्लॉयर कितना सैलरी आपको दिया है, तो वो सही तरीके से टीडीएस कट पाएगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में टैक्स का शॉक आपको नहीं लगेगा। अब दोस्तों लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो लास्ट साल से एप्लीकेबल हुआ है। लास्ट बजट में क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, म्यूचुअल फंड का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 साल के बाद से अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो 1 लाख के बाद से आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। तो अभी मार्केट अच्छा चल रहा है तो
तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल में पढ़ते हैं, मतलब आपका म्यूचुअल फंड एक शेल हो गया है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप चाहे तो अभी कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख के नीचे हुआ तो इंटर प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख के बाद से आपको 10% टैक्स देना पड़ रहा है। अभी मार्केट अच्छा है तो कुछ पोर्शन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 1 लाख के नीचे हुआ तो इंटर अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट साल फिर से आप रिडीम कर सकते हैं, वहां भी अगर 1 लाख के नीचे प्रॉफिट हुआ फिर से आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपको पैसे की जरूरत है इमीडिएटली, नहीं तो 2-3-4 महीने में, तो अभी अगर प्रॉफिट बुक करेंगे, 1 लाख के नीचे अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों, ये जो 2 दिन है, थोड़ा प्लानिंग करके ये सब चीज अगर आप करेंगे तो ढेर सारे पैसा बचा सकते हैं। फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन आप अवॉइड कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप हैप्पीली बिता सकते हैं। दोस्तों होप आज जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया ये आपको हेल्प करेगा ये जो फाइनेंशियल ईयर इसको सक्सेसफुली क्लोज करने में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक में शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।